आज बात इस वीडियो में कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ की करते हैं। आज उनकी वह डिबेट देखेंगे जिनमें उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता और एंकर को अपने जवाब से चुप करवाया हो। आज तक की एक डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया, जिस पर कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने इसका करारा जवाब भी दिया। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है और बहुत अफसोस है कि एक प्रधानमंत्री की, जिसकी आतंकवाद के हत्थे चलते शहादत हुई, जो इस देश में सूचना और प्रौद्योगिकी क्या क्रांति लाया, उसके लिए यहां पर बैठा एक आदमी नरपिशाच का शब्द प्रयोग करता है और आप उस पर आपत्ति नहीं जताती हैं। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है ऐसे शब्दों के चयन पर। यह नीचता दिखाता है, गंदी विक्षिप्त मानसिकता दिखाता है इस आदमी की। गाली वाली भाई, गाली पे आई, बोलना चाहती हूं। गाली वाली भाई, गाली पे आई, चुप रहिए। गाली वाली भाई गाली ही दे सकती है। मैं जौनपुर में बैठी हुई हूं, मुझे जितनी आवाज समझ में आई उस पर मैंने अपनी बातें आगे बढ़े। एक सेकेंड सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब ये आदमी बैठकर मुझे गंदी गंदी गालियां देता है यहाँ पर। सारे देश को पता तो चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। न्यूज 18 पर हुई डिबेट में संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, तो इस पर सुप्रिया ने संबित पात्रा को करारा जवाब भी दिया। 700 किसानों की मौत के बाद आपको ठहाके मार के हथियार करते हो, हर जगह जाकर जोकर की बातें करते हो। पेकू के अनुभव भैया, कॉमेडी सेंटर का सेंट्रल रोड राहुल गांधी के पास है, तुम्हारे और पप्पू के पास। अरे भैया, पप्पू है, पप्पू सेंट्रल, पप्पू को संभालो जाके। पहले कॉमेडी सेंट्रल पप्पू के पास है। जुमलेबाजी कर ले, जुमलेबाज तुम्हारे प्रधानमंत्री, मैडम आदमी तुम हो यहाँ पर। बेकार की बातें मत किया करो। काहे अपने प्रधानमंत्री को गाली दिलवाते हो, काहे अपने नेता को गाली दिलवाते हो। चेयर की बात कर रहे हो ना, तो चेयर की इज्जत करना सीखो। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, 700 किसानों की शहादत के बाद एक शब्द श्रद्धांजलि का तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे आराध्य के मुंह से नहीं निकला है। शर्म करो, ये देश किसानों का है। उनको कुचलने चले थे ना, उन्होंने घुटने टिकवा दिए। आइंदा भी ये बात याद रखना, राहुल गांधी जी ने कहा था कम वोट में, ये बिल तो इनको वापस लेना पड़ेगा। और आज तक की एक डिबेट में जब सुप्रिया ने बीजेपी की आलोचना की, तो एंकर ने उन्हें बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुप्रिया ने एंकर को डांट लगा दी। नहीं, मेरा प्रश्न है, मेरी डिबेट, मेरी डिबेट सलमान खुर्शीद के बयान, सलमान खुर्शीद के बयान पर है। या तो कांग्रेस उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस पर एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने बयान दिया है। पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहते हैं कि जिस तरह किसी ने जेसिका लाल को नहीं मारा, वैसे किसी ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई। इस तरह के बयान का टाइमिंग और मकसद क्या है? मैम, मैम सुप्रिया श्रीनाथ जी, मेरी डिबेट आज इस पर है। मेरा निवेदन है, जो मैं प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दें। आपका डिबेट रिलीजन पर है, मैं रिलीजन पर ही सवाल पूछ रही हूं। मेरा डिबेट रिलीजन पर नहीं है, आई एम सॉरी, मेरा डिबेट रिलीजन पर नहीं है। मेरा डिबेट सलमान खुर्शीद के बयान पर है मैम, सलमान खुर्शीद के बयान पर है। सलमान खुर्शीद जब वो नेहरूवियन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जब वो इन मुद्दों पर बोल रहे हैं, आज बोल रहे थे आप मंत्रमुख सुन रहे थे, अब मैं बोल रही हूं मंत्रमुख सुनो या कैसे भी सुनो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन आपसे, आप इसका उत्तर दें। एमएच खान, इंडिया टीवी की डिबेट में जब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरा, तो अपने जवाब में कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया ने सुधांशु त्रिवेदी को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूं मैं सुधांशु त्रिवेदी की कि उन्होंने आज महात्मा गांधी का नाम लिया, क्योंकि मुझे इन लोगों से महात्मा गांधी का नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़े रहते थे, गांधी की जय जयकार जब ये करते हैं तो मुझे बहुत आत्मसंतोषी मिलती, क्योंकि एक बार फिर से इन किसानों ने दिखा दिया कि गांधी के इस देश में गांधी के ही सत्याग्रह की अंततोगत्वा विजय होगी, और हर उस शासक को जो समझता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को इधर उधर करके सरकारें पपेट से चलाएगा, उसको घुटना टेकना पड़ेगा। ये गांधी की असलियत है, ये गांधी का शाश्वत सच है। अच्छी बात है, इसका साधुवाद है आपको कि आपने गोडसे का साथ छोड़कर आज गांधी का जिक्र किया। पहली बात, आपने कहा सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट थी, राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट नहीं थे, उनको क्रेडिट क्यों दें? बड़ी अच्छी बात है, आपने ये भी स्वीकारा कि ये कांग्रेस की वजह से हुआ था। चलो, राहुल जी नहीं, सोनिया जी की वजह से हुआ था। सबको पता है भूमि अधिग्रहण आपने पुश करना चाहा, किसानों ने आपको वापस धकेला, राहुल गांधी जी ने इस पर सत्याग्रह और पूरा आंदोलन किया था और उसकी वजह से हुआ था। आप इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।